नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे चैनल और मेरे परिवार की तरफ से मेरे देखने वाले और भारत के प्रत्येक नागरिक को होली के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। आपको ये कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं, मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, बात करते हैं भारतवर्ष की आज़ादी की। जब भारत देश आज़ाद हुआ, इसमें प्रत्येक नागरिक ने, भारतवासी ने अपना योगदान दिया हर तरह से। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत देश का संविधान लिखा गया। भारत देश में कई ऐसी हुई जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान एक जैसा अधिकार दिया गया। दोस्तों, ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए एक जैसा था। तो बात करते हैं आज एक ऐसा विषय पर जिसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं। बात करते हैं शिक्षा पर। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, आपने भी गौर किया होगा कि भारत में शिक्षा के दो स्तर, जो मुझे लगते हैं दो तरह के स्तर हैं। एक वो जिसमें मजदूरी पैसा लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरी पैसा वो जो हर दिन अपनी मेहनत और मजदूरी से अपने घर का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, उनके बच्चों के लिए भारतवर्ष के अंदर गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए, सरकारी विद्यालय बनाए गए, जिसमें वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षित होना ज़रूरी है, और गरीब आदमी ये सोचता है, उसका ये मानना है, और ऐसा होता भी है कि उसका बच्चा एक दिन पढ़कर उस स्तर पर पहुंचेगा जिससे कि जो मुसीबत उन प्रॉब्लम्स उनके माँ बाप देख रहे हैं वो ना देखें। पर दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है भारतवर्ष के अंदर जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनमें पढ़ाया जाने वाला सिलेबस, पाठ्यक्रम कुछ इस तरह का है कि वो बिल्कुल हिंदी पर है, बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया जाता है, और उनका जो सिलेबस है उसका जो स्तर है अच्छा है, बुरा नहीं है। मगर अगर उसको तुलना करें कॉन्वेंट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट, बड़े बड़े ऐसे स्कूल जिसमें कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, जिसकी भारी भरकम फीस होती है, गरीब आदमी नहीं दे सकता, तो दोस्तों उसमें पढ़ने वाला बच्चा और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा अलग अलग, एक ही क्लास का, एक ही उम्र का बच्चा अलग अलग तरह की शिक्षा इस भारत देश में ले रहा है। क्या कारण है? क्या शिक्षा भी पैसों को, ओहदे को देखकर दी जाती है? क्या भारतवर्ष एक देश है तो इसमें जो पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम एक क्यों नहीं है, अलग क्यों है? एक ही देश में रहकर दो युवक, दो बच्चे जो देश का भविष्य हैं, वो अलग अलग तरह की एजुकेशन, अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम क्यों पढ़ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्या गरीब आदमी का बच्चे को वो अधिकार नहीं है कि उसका बच्चा भी वैसे पढ़ सके, वही सिलेबस, वही बुक्स पढ़ सके जो कि बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? क्या ऐसा सिलेबस, ऐसी बुक्स गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक भारत का नागरिक एक समान है तो उनके बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कि पैसे वाले का बच्चा जो पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया बुक्स हैं, और सिलेबस जो है बड़ा ही हाई फाई है, और वहीं ये गरीब आदमी, मजदूरी पेशा आदमी, वो भी भारतवर्ष का नागरिक है, उसका बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जिसके अंदर पाठ्यक्रम बिल्कुल, सिलेबस जो है वो स्तर नहीं है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप लोगों ने ऐसा कोई अच्छा अनुभव किया है तो मेरे वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आपके आसपास अगर इस तरह की कोई बात दिखती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो कुछ ऐसी जगह, कुछ आला अधिकारियों या प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठे हुए या जिनके बस में ऐसी चीज़ है वहाँ तक पहुँच सके, ताकि शिक्षा का जो स्तर हिंदुस्तान में दिया जा रहा है, दो तरह के सिलेबस, दो तरह के बच्चे जो पढ़ रहे हैं,
ये भेदभाव जो है ये दूर हो सके, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।